लॉकडाउन में लोगों के घरों तक सब्जियां उपलब्ध कराने के लिए मंडी परिषद निरीक्षक की देखरेख में सब्जी की 20 गाड़ियों को शहर के वार्डों के लिए रवाना किया गया। मंडी निरीक्षक ने बताया कि किसी भी वार्ड में सब्जियों के लिए फोन आता है तो वहां गाड़ियां भेज दी जाती हैं। उन्होंने बताया कि सब्जियों का रेट सुबह ही निर्धारित हो जाता है, उसी रेट पर सब्जी सभी वार्डों में बेची जाती है और जहां गाड़ी नहीं पहुंच पाती वहां ठेले से डोर टू डोर सब्जी पहुंचाई जाती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडी निरीक्षक अंकुश श्रीवास्तव व मंडी समिति के महामंत्री फिरोज अहमद राइन ने कहा, अरे ना ही दिख रहा है तो यही ऊपर लगा देना चाहिए। अंकुश श्रीवास्तव मंडी निरीक्षक मंडी समिति। देखिए डोर टू डोर डिलीवरी के अंतर्गत आज जो है 20 गाड़ियां पूरे शहर में के विभिन्न मोहल्लों में भेजी गई हैं, जिसमें हरी सब्जियां वगैरह अधिक थी, फल भी उस प्रत्येक गाड़ी में फल भी जो है रखे हुए हैं। मैं फिरोज अहमद राइन, महामंत्री फल सब्जी विक्रेता एसोसिएशन गोरखपुर। मंडी से हमारे द्वारा 20 गाड़ियां भेजी गई हुई है, जिसे राजेंद्र नगर भेजा, भूमि ताले भेजा गया, दिव्य नगर भेजा गया, राप्ती फेज नंबर 1, 2, 3, 4 में भेजा गया है और PSC कैंप भेजा गया है, पुलिस लाइन भेजा गया, जजेस कंपाउंड भेजा गया है। ये सारी गाड़ियां जा रही है डोर टू डोर, सारी सब्जियां इस गाड़ियों में उपलब्ध जो इस समय आ रहा है, जैसे परवल, भिंडी, करेला, बीन्स, टमाटर, शिमला मिर्चा, आलू, प्याज, हरी मिर्ची आदि, नींबू, धनिया की पत्ती, सारी सब्जियां मौजूद इसमें डोर टू डोर हम लोग सप्लाई कर रहे हैं।